बेसिक चॉकलेट्स के लिए ये देखिए इस तरीके के कंपाउंड आते हैं, अलग अलग तरीके के। ये मेरे वाइट चॉकलेट का कंपाउंड है, इसी तरीके से डार्क चॉकलेट का और मिल्क चॉकलेट का कंपाउंड आता है। मैंने एक बाउल में यहाँ मिल्क चॉकलेट ली है। आज मैं आपको गैस पे किस तरीके से चॉकलेट मेल्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने ये गैस ऑन करी, एक मैंने इसमें बर्तन चढ़ाया जिसमें मैंने पानी लिया है, लगभग वन थर्ड है ये। इसके बाद मैंने ये अपना कांच का बाउल इस तरीके से इसके ऊपर रखा। ये आप इस तरीके से रखेंगे कि इस तरीके से आपका ये बर्तन आना चाहिए। इस बर्तन के ऊपर, नीचे वाले बर्तन के ऊपर आपका ये आएगा। इतना बड़ा आपने बाउल लेना है जिसके ऊपर से अब इस पानी की हीट से हमारी ये चॉकलेट मेल्ट होगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट हुए हैं, नीचे पानी बॉईल हो रहा है और ऊपर ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। हमें इस तरीके से तो ये चाहिए। ये मैंने डार्क चॉकलेट नहीं ली है, मैंने मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। आप घर पे जब चॉकलेट बनाते हैं तो वो बहुत ही इकोनॉमिकली पड़ती है आपको। ये देखिए 3 से 4 मिनट में मेरी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम बेसिक चॉकलेट में हम कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास मोल्ड है, मार्केट में इस तरीके के इजीली मोल्ड मिलते हैं। आजकल एडवांस चॉकलेट जब हम बनाते हैं तो उसमें इस तरीके के बार्स आते हैं। मैं आपको एक एक तरीके के अलग अलग तरीके से बार बनाना सिखाऊंगी। हमने थोड़ी सी चॉकलेट डाली, इसे हमने ऐसे टैप किया जिससे ये चार इस पूरे हमारे शेप में आ जाए इस मोल्ड में। थोड़ी सी चॉकलेट और लगेगी इसमें, टैप किया इसे, फिर में आप ये आलमंड्स लगाइए। ये देखिए ये आलमंड्स हमारे, इसमें 6 पार्ट है। इस तरीके से आप एक एक आलमंड लगाइए। ये बहुत ही नटी फ्लेवर आता है इसका। आलमंड चॉकलेट हमारी 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। मैं अभी आपको इसका पैकिंग बताऊंगी, आप इस तक को किस तरीके से पैक करेंगे कि जब आप पैक करेंगे तो आपकी चॉकलेट भी दिखाई देगी और आपका आलमंड्स भी दिखाई देगा। ये आपका एक आलमंड चॉकलेट रेडी है। अब मैं सेकंड लूंगी, एक और मैं डालूंगी लगाऊंगी इसमें। इसको मैं अगेन इसको थोड़ा सा फैलाऊंगी, इसको टैप करके हम सेट करेंगे। मैंने अपना दूसरा बार भी इस तरीके से चॉकलेट डाल के, इसमें मेल्टेड चॉकलेट डाल के सेट कर लिया है। अब इसे मैं फ्लेवर दूंगी बटर स्कॉच का। इस तरीके से बटर स्कॉच के क्रंच आते हैं मार्केट में, आप अमेजोन से इजीली बाय कर सकते हैं। ये क्रंच आते हैं, इसमें मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ये वाली चॉकलेट बहुत ही यमी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्ट आता है इसका बटर स्कॉच के साथ। चॉकलेट फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद होती है, ये गिफ्ट देने में भी बहुत अच्छी होती है। आज मैं आपको बेसिक चॉकलेट सिखा रही हूँ। अगर आपको एडवांस चॉकलेट का कोर्स करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने नंबर दिया है उस पर करके, हमारी लाइव ऑनलाइन लाइव वर्कशॉप्स होती हैं वीकली, आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। ये हमारा आलमंड रॉक रेडी है, ये हमारा बटर स्कॉच रेडी है। अब मैं आपको थर्ड बताऊँगी। मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है, इसको मैंने माइक्रो में गर्म किया है। ये देखिए मेरा मेल्ट हो गया है। मिल्क चॉकलेट से व्हाइट चॉकलेट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है मेल्ट होने में। इसमें मैं आपको पिस्टैचू फ्लेवर आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम पिस्टैचू फ्लेवर कैसे ला सकते हैं। खाने वाला ग्रीन कलर आता है ये, मैंने इस मार्केट से, ये भी मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, मेरे पास ग्रीन कलर है। मैं 2-3 ड्रॉप्स इसमें ग्रीन कलर डालूंगी, एकदम पिस्ते जैसा लाइट कलर हमें चाहिए, ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। ये कलर हमारा इसके अंदर गया। कलर डालने के बाद मैं इसे देखिए, हमारा कितना सुंदर ग्रीन कलर आया है, ये मार्बल लुक में भी आया है, बहुत सुंदर ये कलर आया है। मैं इस चॉकलेट को थर्ड अपने मोल्ड में डालूंगी, इसे सेट करूंगी टैप करके। इसके अंदर मेरे पास पिस्ता है, ये देखिए मैं इसमें पिस्ता अरेंज करूंगी। आप पिस्ता को रफली चॉप करके भी आप डाल सकते हैं, बट मुझे साबुत पिस्ता जब मुंह में आता है, बाइट लेते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसके अंदर पिस्ता डालूंगी। ये देखिए हमारी पिस्ता नटी बार रेडी है। बहुत ही बेसिक चॉकलेट्स है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हमने टैप किया, हमें कुछ प्रेस नहीं करना, जस्ट टैप, और ये आपके देखिए फ्रूट्स वाले नटी चॉकलेट्स रेडी। अब मैं इस ट्रे को
5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, या जब तक ये सेट नहीं होता हो जाती चॉकलेट हमारी, तब तक मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी। मैं आपको और भी कुछ फ्लेवर्स शेयर करना चाहती हूँ। इस तरीके से मोल्ड्स मिलते हैं मार्केट में, आप इजीली बाय कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको वाइट चॉकलेट के साथ ही कुछ और फ्लेवर्स बताऊंगी। ये किटकैट वाली शेप आती है, इसके अंदर हमने ये डाला, अपना चॉकलेट फिल किया, इसको थोड़ा टैप किया, ये साइड से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए मैं बच्चों की फेवरेट जेम्स लगाऊंगी। एक एक करके आप इसको इस तरीके से अरेंज करिए। ये देखिए ये आपकी जैम किटकैट रेडी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वन मोर, एक और इस तरीके से मैं फिल करूंगी। ये देखिए मैंने अपनी वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट से मिल्क चॉकलेट को इसमें फिल कर लिया है। अब मैं बताती हूँ इसको आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर कैसे दे सकते हैं। ये मेरे पास ड्राई चेरीज है, ये देखिए मार्केट से नट्स एंड फ्रूट्स वाली जो चॉकलेट्स मिलती है बहुत एक्सपेंसिव आती है, आप इस तरीके से अपने घर में बनाकर बहुत ईजली बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास ब्लैक कलर के ब्लैक करेंट्स है ड्राई, ये मैं एक में डालू रखूँगी। वाइट चॉकलेट के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। एक और आई हैव सम हेज़ल नट्स, वाइट चॉकलेट में मिल्क चॉकलेट में मैं हेज़ल नट्स डालूंगी, इसका फ्लेवर तो बहुत ही यमी होता है। अब इस मिल्क चॉकलेट वाले में मैं कुछ, ये स्प्रिंकल्स आते हैं इस तरीके से मार्केट में, आप ये यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर कौन सा देना है ये इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाता है। एक और करूँगी मैं, अच्छे से फिल करिए, हम इसे टैप करेंगे तो ये अपने आप चॉकलेट में सेट हो जाएगा। मेरे पास इस तरीके से ये वाला चॉकलेट्स है, ये वाले भी मैं इसके अंदर डालूंगी। अब हम इसको 5 to 10 minutes जब तक वो आपके फ्रिज में ये सेट हो जाती है तब तक हम इसे फ्रिज में रखेंगे। 5 मिनट में मैंने इसे फ्रिज में रखा। ये देखिए अब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी, ईजिली ये डीमोल्ड हो जाती है ऐसे देखिए। अब मैं आपको बताऊंगी ये रैप कैसे करना है। एक बार मैं इसे साइड में प्लेट में रखती हूँ। हमारे पास इस तरीके से क्लीन फॉइल आती है, आप वो लीजिए। इस तरीके से क्लीन फॉइल का रोल आता है, मैंने ये लिया है, ये मैंने अपने यहाँ इसे रखा। इसके ऊपर मैं एक चॉकलेट रखूँगी, ये चॉकलेट आपको उल्टी करके रखनी है इस तरीके से, और इसको हम ऐसे रैप कर देंगे इस तरीके से। ये जो जितनी हमारी एक्स्ट्रा है ये चिपक जाता है, ये फॉइल इतना पतला होता है ये इजीली इस पर चिपक जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा है मैं इसको कट कर दूंगी, यहाँ से एक इसको अच्छा सा प्रॉपर इसकी पैकिंग इस साइड से आप इसे फोल्ड कर देंगे। 1 and 2 and 3 यहाँ से आपकी चॉकलेट रैप हो गई। ये देखिए आपकी ये चॉकलेट रैप है। 5 मिनट्स के अंदर आपने नट्स वाली पिस्टैचू वाइट चॉकलेट रेडी कर ली है, लुक एट दिस। अब मैं इसी तरीके से अपनी बाकी चॉकलेट्स भी रैप कर लूँगी। ये हमने अपनी जो बार्स थी इस तरीके से मैंने फॉइल में क्लीन रैप में मैंने रैप कर ली है। ये आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो चॉकलेट कंपाउंड लाते हैं वो हम फ्रिज में स्टोर नहीं करते। ये देखिए इस तरीके से मार्केट में एनवलप्स मिलते हैं। ये देखिए इसको आप यहाँ से एक चॉकलेट इसके अंदर डालिए, ये ट्रांसी है, आप सब पता चल रहा है इसके अंदर क्या है। आप इस चॉकलेट को इसके अंदर डालिए, इसको ऐसे रैप कीजिए, ईजली ये फोल्ड हो जाता है, और ये आप किसी भी बच्चे को उसके रिटर्न गिफ्ट में, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में आप रिटर्न गिफ्ट में यहाँ उसका नाम लिख के, अच्छा सा मैसेज लिख के आप बच्चों के रिटर्न गिफ्ट में ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है, एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपका गिफ्ट के लिए। ये देखिए हमारे ये वाले पे 5 मिनट के अंदर फ्रिज में सेट हो गया है। मैं डीमोल्ड करके दिखाती हूँ हमारी ये चॉकलेट्स कैसी दिखती हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इधर प्लेट में रखती हूँ इसको, एक एक डीमोल्ड करूँगी और प्लेट में रखूँगी।
ये देखिए जो मैंने छोटे वाले मोल्ड्स में अपनी चॉकलेट्स लगाई थी ये मैंने डीमोल्ड कर दिए हैं। अब इन्हें किस तरीके से पैकिंग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। क्लीन रैप मैंने इस तरीके से अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखा है, यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी चिपक जाता है, आपको बहुत केयरफुली इसकी पैकिंग करनी होती है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको सेंटर पे से कट करूँगी। और यहाँ से इसके थर्ड 1 2 इसके मैंने 3 पार्ट बना लिए। बहुत चिपक जाता है ये, बहुत थोड़ा सा होता है बट बाद में ये इस तरीके से, ये देखिए मेरे पास ये क्लीन मोल्ड आ गया। इसमें मैं चॉकलेट रखूँगी, अगेन अपोजिट साइड, और इस साइड से मैं इसको रैप कर दूँगी। ये देखिए आपकी ये टॉफ़ी जैसे, ये आपकी चॉकलेट बार, ये इस तरीके से आप ऐसे भी इसको एक टॉफ़ी की शेप में आप इसे रैप कर सकते हैं। ये आपकी रेडी हो गई। मैं अब सारी रैप करके आपको दिखाती हूँ।